हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन इंट्रोड्यूस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर एसिडिटी तो एसिडिटी जो होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम अलग अलग मेडिसिन अलग अलग जो रेमिडीज यूज़ करते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो हम कहते हैं कि, कि एसिडिटी के उपचार के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए कंट्रोल के लिए जो भी हम अलग अलग नुस्खे यूज करते हैं या फिर जो मेडिसिन यूज करते हैं सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एमप्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स Get the links of PharmaOx app in description box and start the learning for GPET Sniper DIN Pharmacist Exam. Download the have the Pharma rocks Android application on Google Play Apple iPhone app on App Store. So you will access the study material, test series, video lecture, and special test series for drug inspector examination. So get the facilities on the F Pharma rocks डाउनलोड दस एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले एप्पल आईफोन एप ऑन एप स्टोर तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि वॉट इज एसिडिटी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी क्या है तो एसिडिटी मतलब कि जिसको हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं कि इज ए कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज बाय हार्ट बर्न दैट इज फेल्ट अराउंड द लोअर चेस्ट एरिया एंड ऑल्सो इंक्रीज इन स्टमक एसिड कि जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड जो है वो इंक्रीज होता है जो नॉर्मल एसिड होता है उसके कंपेयर में जब एसिड जो है वो हो रहा है इंक्रीज तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स होगा उसका मतलब कि जो स्टमक है स्टमक में जो एसिड है वो ऊपर की ओर हमारे फूड पाइप जिसको हम कहते हैं फूड पाइप कि इंग्लिश में हम उसको ईसोफेगस भी कहते हैं एंड यूजली सिंपल वर्ड्स में उसको फूड पाइप भी कहा जाता है तो एसिड ऊपर की ओर फूड पाइप की ओर जाता है जिसके कारण हमारे जो हार्ट के एरिया है वहाँ पे काफ़ी बर्निंग होता है हमें फिर स्टमक uh, एसिड जो इंक्रीज होता है इसके कारण काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है पेशेंट को इट इज़ कॉमन कंडीशन That is अ when stomach acid flow back up into the food pipe and cause acidity ke food कि ke andar के अंदर फिर hamare होगा हमारे एसिड कि जो इंक्रीज हुआ है karan जिसके कारण आपको हार्ट बर्न जैसा कंडीशन फॉर्म होती है हार्ट बर्न एंड एसिड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है और स्पेशली द स्टमक एसिड एंड जिसके कारण जो कंडीशन फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एसिडिटी एसिडिटी मतलब कि इंक्रीज इन द स्टमक एसिड एंड ऑल्सो कॉल ए एसिड रिफ्लक्स एसिड रिफ्लक्स कि हमारे फूड पाइप के अंदर एसिड जो है वो फिर से रिफ्लक्स हो रहा है एंड द मोस्ट कॉमन एसिड रिफ्लक्स सिम्टम इज बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एंड ऑल्सो द पेन अब जब एसिड इंक्रीज होता जाएगा प्लस फूड पाइप के अंदर वो जाएगा रिफ्लेक्स होगा उसका जिसके कारण क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन हमें होंगे कि जैसे आ, कुछ जलन होती हो बर्निंग होता हो ऐसा होता है हमारे स्टमक के अंदर एज वेल एज कि जो हमारा जीआई आई ट्रैक है अपर जी ट्रैक जो है हमारा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है जी आई ट्रैक जी आई ट्रैक का जो अपर पोर्शन है ये अपर पोर्शन के अंदर क्या होता है आपको बर्निंग सेंसेशन सबसे ज्यादा होते कि आपका बॉडी का ये जो ऊपर का जो पोर्शन है वो अपर जी आई ट्रैक रहता है एंड स्टमक से नीचे का पोर्शन जो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कि जो ऊपर के बाग में बिकॉज जो यहाँ पे एसिड है और ये एसिड और ऊपर की ओर आता जाएगा जिसके कारण क्या है काफ़ी आपको हार्ट बर्न रहता है चेस्ट बर्निंग रहती है एंड पेन सेंसेशन होते तो ये है सिंपल एसिडिटी तो यूजअली हम सादी भाषा में या फिर सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऐसे कहते हैं कि जब एसिडिटी हो तब होती है कि जब एसिड इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और जिसके कारण आपकी जो चेस्ट के अंदर काफी बर्निंग सेंसेशन होता है पेन होता है हार्ट के आसपास बर्निंग होती है प्लस जो हमारा इतना जो पोर्शन है थ्रॉट से लेकर इसोफेगस जो हमारी है फूड पाइप फूड पाइप में काफी आपको एसिड एसिड एसिडिक एसिडिक लगेगा कि जिसके कारण आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल जो है वो फील करते हो और कई बार वो एसिड आप महसूस करोगे कि आपके ओरल कैविटी में भी आ जाता है कि जब आप वॉमिटिंग का स्टार्ट ट्राई करते हो तो जब एसिडिटी के कारण कई बार वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को तो उस वक्त वो जो माउथ में जो आपको फील होता है वो एसिडिक जो है वो फील होता है ड्यू टू दिस एसिड की जो काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज होता है तो ये होने के कारण क्या है रीजन्स क्या है तो ईटिंग लार्ज मील और लाइंग डाउन राइट आफ्टर ए मील जब आप राइट right साइड सोते हैं खाने के बाद और लार्ज मील काफी एक्सेसिव अमाउंट ने आप में आपने खाना खाया है और उसके बाद राइट right साइड जो है वो आप जो है वो सोते हैं लाइंग डाउन राइट साइड आफ्टर द मील तो उसके कारण एसिड जो है वो जो स्टमक के अंदर होता है वो रिफ्लक्स होगा ऊपर विंड पाइप की ओर फिर बीइंग ओवरवेट और ओबेस जब किसी पर्सन ओबेसिटी होती है उस वक्त भी होता है फिर जब आप खाने में काफी स्पाइसी फूड्स लेते हैं स्पाइसी फूड्स के कारण एसिडिटी हो सकती है फिर जंक फूड कि जो अलग अलग हम जंक फूड्स जितने भी देखते हैं प्लस फास्ट फूड तो वो है फिर अल्कोहल किसी को अल्कोहल कंज की हैबिट है तो उसके लिए एसिडिटी एक कॉमन हो जाती है एसिडिटी होती ही है उनको एंड जब आप रहते हैं काफी स्ट्रेस के अंदर की जिसको स्ट्रेस के कारण होने वाली एसिडिटी कही जाती है उसके बाद इटिंग हैवी मिल एंड लाइंग योर बैक लाइंग ऑन योर बैक और बैंडिंग ओवर एट द वेस्ट खाने के बाद आप क्या करते हो आपकी बैक ऊपर लाइंग ऑन योर बैक और बेंडिंग ओवर द वेस्ट आप बेंडिंग करते तो क्या होगा जो एसिड है वो रिफ्लक्स होके ऊपर की ओर आता है जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है आ, स्नेकिंग क्लोज टू बेड टाइम स्नेकिंग क्लोज टू बेड टाइम अब सोने के टाइम आप समझो कि स्नैकिंग स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो भी एसिडिटी हो जाती है एंड ईटिंग द सर्टे फूड सच एज साइट्रस ये सबसे ज़्यादा रीज़न है स्ट्रेस स्पाइसी फूड जंक फूड एंड एल्कोहल के बाद कि कुछ ऐसे फूड के लाइक साइट्रस फ्लूड की जो साइट्रस काफ़ी खट्टे होते हैं फिर टोमेटो कुछ लोगों को टोमेटो के कोई भी टोमेटो के कोई कैचअप टोमेटोज़ वाली कोई चटनी वगैरह खा ले तो भी उनको एसिडिटी हो जाती है कुछ लोग ऐसे भी हो कि जिनको चॉकलेट्स के कारण भी होता है मिंट के कारण होता है गार्लिक तो ये प्राइम है समझो कि गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं ओनियन की जो प्याज प्याज और लहसुन वाला स्पाइसी खाना आप खा लेते हैं तो भी एसिडिटी होती है एज वेल एज द फैटी फूड कि जिसके अंदर काफ़ी ऑयल है यह खास समझिए कि ऑयल है प्लस वाटर भी है फूड के अंदर एक्सेसिव नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक्सेसिव ऑयल है वाटर है ओनियन भी है प्लस समझे कि उसके अंदर गार्लिक है और समझे कि उसके अंदर चीज वगैरह भी पड़ता है या फिर टोमेटो केचप या फिर चटनी जैसा तो ये सब मिलाकर जो फूड तैयार होगा वो आपके लिए रहेगा एसिडिटी होने का रीजन कि जब समझो कि इस टाइप का आप खाना खाओगे तो ऑब्वियसली एसिडिटी जो है वो होगी एंड एसिड रिफ्लक्स भी होगा एसिड सिक्रेशन भी आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा और जो कंडीशन फॉर्म होगी उसको हम कहते हैं एसिडिटी तो एसिडिटी समझो कि आपको होती है तो उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं तो हार्ट बर्न कि ये जो हार्ट चेस्ट वर्क पेन आ, में पेन बर्निंग वगैरह वॉमिटिंग होती है पेशेंट को और वॉमिटिंग करते दौरान माउथ के अंदर काफ़ी एसिड एसिड जो है वो आपको फील होगा पेन स्टमक पेन में पेन भी होगा एज वेल एज बर्निंग भी होगी ब्लोटिंग होगा आपको फ्लैटुलेंस हैवीनेस कि आपको जो स्टमक के अंदर काफ़ी हैवीनेस लगेगा जल्दी से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा अनकम्फर्टेबल फील होगा एंड बेल्चिंग होती रहेंगे रेगुलरली कि जो हम खाते कि डकार होती है एसिडिक एसिडी जैसे डकार आती है एसिड जैसे माउथ में आ रहा हो ऐसा फील होता है ब्लोटिंग गैस जैसा होता है कंटिन्यूसली तो ये सब कंडीशंस फॉर्म होती है कि जब कि आपको एसिडिटी होती है तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और कि जो हमारा ये लेक्चर का मेन पॉइंट है वो है एसिडिटी की मेडिसिंस कि कौन से मेडिसिंस हम यूज़ करें कि जिससे एसिडिटी की ट्रीटमेंट की जा सकती है तो जो मेडिकेशन्स हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है एंटासिड्स एंटासिड्स आर द मेडिसिंस यूज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ एसिडिटी की जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो उसके लिए जो भी हम मेडिसिंस देंगे उनको कहा जाएगा एंटासिड्स एंटासिड्स नाम ऐसा क्यों बिकॉज दे आर एंटी एसिड एंटी प्लस एसिड तो उसका मतलब होगा एंटासिड ए टी और ए ज्वाइंट कर लिए और पीछे सीड तो एंटासिड जो नाम बना कि ऐसे मेडिसिन कि जो एसिड को रिड्यूस करवाने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं पेशेंट के लिए तो उसके अंदर डिफरेंट डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं एंटासिड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ये मेडिसिन का मेन ही मेकेनिज्म है दे आर एंटी एसिड दे आर एंटी एसिड क्या काम करेंगे तो एसिड को न्यूट्रल करने का काम करेंगे कि जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड उसका जो सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी कि जब वो कम अमाउंट में सीक्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी क्योर हो जाएगी या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सेसिव अमाउंट में उसको आप न्यूट्रल करवा दो तो वो भी इसके ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है तो एफरवेसन पाउडर्स काफ़ी पॉपुलर है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एफरवेसेंट कि ये एफरवेसन पाउडर और जब ये पाउडर को आप आ, पानी आ, पा, ये ग्लास में ले लेते हो और फिर उसके अंदर आप पानी डालते हो या फिर पानी डालने के बाद ये पाउडर डाल के ड्यूरिंग द एफरवेशन ये जो एफरवेसन आ रहे हो उसी वक्त जब आप उसको ड्रिंक करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है एसिडिटी के अंदर वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं फिर एंटासिड सस्पेंज़न होते हैं ये वाला देख सकते हैं सस्पेंज़न ये वाले एफरवेसेंट पाउडर्स उसके अलावा टैबलेट्स भी रहती है अलग अलग वो भी हम आगे सीखेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द वेरियस कैप्सूल की ये रेबीप्राजोल की टैबलेट्स है वैसे उसकी कैप्सूल्स भी आती है तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन की जो हम यूज़ करते हैं तो टू ट्रूट एसिडिटी शुरुआत करेंगे सबसे पहले एफरवेसेंट पाउडर से कि जो पॉपुलर है काफ़ी टू तो ट्रीट एसिडिटी के जिसके अंदर मेनली uh, होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट उसका मेन की इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में रहता है साइट्रिक एसिड टाटरिक एसिड भी डाला जाता है फ्लेवर्स होते हैं एंड स्वीटनर्स तो ये सब कॉम्बिनेशन तैयार होकर जो बनता है उसको कहते हैं हम एफरवेशन पाउडर फार्मास्यूटिक्स के अंदर और ये जो डोजेस फॉर्म है इसको एफरवेशन पाउडर कहा जाता है और उसको आपको लेना होता है ड्रिंक वाइल एफरवेसेंट ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ड्रिंक ड्रिंक वाइल एफरवेसेंट ये पॉइंट पे आप खास ध्यान रखें कि जब एफरवेसेंट आ रहे हो कि जिसको हम कहते हैं कि इस तरह से बबल फॉर्मेशन जैसा होता है कि जब आप पानी के अंदर ये पाउडर डालते हो या फिर ऑलरेडी पाउडर आपने यहाँ पे डाल के रखा है और उसके अंदर फिर आप पानी डालते हैं तो जब ये एफरवेशन डाल रहे हो उसी वक्त आपको ये फास्ट ड्रिंक करना होता है तो इसके पॉपुलर डोजेस फॉर्म आपको पता ही है शायद आपने देखा भी होगा कि सोडा जी एक पॉपुलर है एज वेल एज द इनो तो ये दोनों प्रोडक्ट एफरवेशन पाउडर्स की कैटेगरी में आती है कि जो यूज़ होती है टू ट्रीट द एसिडिटी दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशन ऑफ ए एसिडिटी तो ये आप अच्छे से याद रखिए और उसके अंदर मेन होता है ये सोडियम बायकार्बोनेट की जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है बेकिंग सोडा ये काफी यूज होता है टू ट्रीट एसिडिटी और इसी के अलग अलग वर्जनस काफी फ्लेवर भी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं क्या आप ये लेमन फ्लेवर देख रहे औरेंज फ्लेवर भी उसका होता है तो अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर फ्ले फिर स्वीटनर्स के साथ ये बनाया जाता है कि जिससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होता है एंड एसिडिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और ये क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नेचर में है बेसिक इन नेचर है अब समझो कि Uh, उसका जो एफरवेसेंट वाला जो पाउडर होगा वो आप समझो कि लेते हैं तो बेसिक और एसिड दोनों मिलाकर जो तैयार होता है वो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो हम सीखते हैं कि जब एसिड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब जो कि हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए या फिर एसिड acid की एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए हमें बेसिक सब्सटेंस चाहिए वैसे ही ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स बना के फिर चीवेबल टैबलेट्स ये भी आपने देखा होगा कि चीवेबल टैबलेट्स कि जिसको हम जो है वो चीव करते हैं चीवेबल टैबलेट्स आर एन ओरल डोजेस फॉर्म इंटेंटेड टू बी अचीव्ड एंड देन स्वेलो बाय द पेशेंट रादर देन स्वेलो होल इसको स्वेलो नहीं करनी है जैसे आप कोई चिविंगम खाते हैं कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं कोई टॉफी खाते हैं वैसे ही सेम आपको यह यूज करनी होती है चीवेबल टैबलेट्स की एक डाइजिन काफी पॉपुलर है चीवेबल टैबलेट्स के अंदर एंटासिड एंड एंटी गैस है कि जिसके अंदर एल्यूमिन रहता है फास्ट मल्टी सिम्टम रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न ब्लोटिंग एसिड डाइजेशन एंड गैस की जो मेन सिम्टम्स है हमारी एसिडिटी के तो इसके अंदर हंड्रेड चीवेबल्स टैबलेट्स से इसमें भी अलग अलग आप ले सकते हैं कुछ ब्लिस्टर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर फिफ्टीन टैबलेट्स होती है किसके अंदर फिफ्टी टैबलेट्स वाला भी अलग अलग आपको ब्लिस्टर मिल जाता है बेज ऑन योर रिक्वायरमेंट तो ये है चीवेबल टैबलेट्स की जो यूज़ होती है फॉर एसिडिटी की एसिडिटी को क्योर करने के लिए उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं देस वी डाइज डिजाइन टू बी पैलेटेबल एंड बी ईजिली चीव्ड एंड स्वेलो अब हम ये सोचते होंगे कि ये इस टाइप के चीवेबल टैबलेट्स क्यों बनाए गए तो ये रीजन ये है कि समझो कि आप कर रहे हैं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ट्रावेलिंग कुछ ऐसा खाने में आया है कि जिसके कारण आपको एसिडिटी जैसा फील हो रहा है तो समझो कि आपके पास ये टैबलेट्स होंगी तो ये जस्ट आपको चीवड करना है चीव मतलब कि जस्ट आपको ओरल कैविटी के अंदर माउथ में जस्ट उसको चबाना है कि जैसे हम चॉकलेट चबाते हैं कोई टॉफ़ी वगैरह चबाते हैं इसे सिंपली चबाना है और फिर उसको आधे से ज्यादा आप उसको चबा ले फिर उसको आप स्वेलो कर सकते हैं जिसके कारण क्या होगा कि उसका जो मेन ड्रग है वो आपके माउथ में ही प्रॉपर डिजोल्व होगी सोलबल होगी और फिर आप उसको वही जो ज्यूस जैसा आपके माउथ में तैयार होगा जो रस तैयार होगा वो आप स्वेलो करते हैं और जिसके कारण आपकी एसिडिटी जो है वो काफी कम हो जाती है तो ये भी काफी पॉपुलर है एज वेल एज इफेक्टिव पॉपुलर भी है एज वेल एज काफी इफेक्टिव भी है ये चीवेबल टेबलेट्स जेल्यूसिल एज वेल एज द डाइजिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगी जीवेबल टैबलेट्स एसिडिटी के अंदर आगे सीखते हैं कि जो अब टैबलेट्स है स्पेशली कि कुछ ऐसे होते कि जिनकी एसिडिटी ऐसी हो जाती है कि वो आगे की जो हमने मेडिसिन देखे कि ना ही इनो से उनको ठीक होता है ना ही जीवेबल टैबलेट से तो जो एफरवेसन पाउडर हमने देखे कि सोडा जी इनो उससे भी ठीक नहीं हो रहा है ना ही आपको हो रहा है जीवेबल टैबलेट से तो आपके पास अब ऑप्शन है एच टू एंटीहिस्टेमाइंस फॉर एसिडिटी कि जो एंटीहिस्टेमाइंस है उसमें भी एच टू हिस्टेमाइन एच टू रिसप्टर जिसके अंदर फेमस है सीमेटिडिन रानीटिडिन फेमोटिडिन रॉग्जा निजाटिडिन निजा एक्सेट्रा तो जितनी ये टिडिन वाली है पीछे सभी के आप देखो टिडिन रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन सीमेटिडिन ड्रॉग्जा तो जितनी भी ये टिडीन्स वाली ड्रग है वो काफ़ी पॉपुलर है एसिडिटी के लिए कि जब कोई कई बार ये एंटासिड्स ऐसी है कि समझे कि कोई मेडिसिन के कारण भी आपको एसिडिटी होती है तो उस वक्त कॉम्बिनेशन में भी ये मेडिसिन दी जाती है कि समझो कि आपको पैरासिटामल दिया है प्लस सी दी है प्लस कोई एंटीबायोटिक भी दिया है और इसी कॉम्बिनेशन के कारण समझो कि आपको नोजिया वॉमिटिंग एज वेल एज एसिडि जैसा भी होता है तो साथ में आपको वो फेमोटिडिन भी दे सकते हैं उसका रीज़न ये कि एसिडिटी जो है वो नहीं होगी और प्रॉपर पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहेगा विदाउट एनी टाइप ऑफ एसिडिटी उसके अलावा जब नॉर्मल किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी ये मेडिसिन बहुत ही प्रीफर करते हैं जिसके अंदर रेनेटिडिन बहुत सालों से यूज होती आ रही है जिसका स्ट्रेंथ है वन फिफ्टी कि आप ये टैबलेट्स देख सकते हैं 150 फिफ्टी एम जी रेनेटिडिन टैबलेट्स उसके अलावा सीमिटिडिन 200 हंड्रेड एम जी ये कैडिला के फार्मास्यूटिकल्स की काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है एज वेल एज माइलान का ये आप देख सकते हैं सीमिटिडिन एबोट का फेमोटिडिन टैबलेट्स फैमटेक जिसका है जिसकी स्ट्रेंथ होती है फोर्टी एम जी तो इस टाइप के आ, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन्हीबिटर कहा जाता है उनको कि जो हमारा एसिड हमने कहा कि इंक्रीज हो रहा है तो ये सिक्रेशन समझो कि हम इनिबिट करते हैं इसको स्टॉप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एसिड का जो लेवल है वो रिड्यूस होगा और पेशेंट विल भी फील वेरी कंफर्टेबल

एसिड का लेवल कम होगा तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी उसके बाद होता है ऑप्शन हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर दीज आर वेरी पॉपुलर एंड कॉल द प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स सो इन दैट हियर इज द स्टमक एसिड एसिड प्रोड्यूस बाय द प्रोटोन पम्प एंड प्रोटोन पम्प इनहिबिटर टर्न ऑफ द प्रोटोन पंप एंड रिड्यूस द एसिड एंड दिस इज अवर इसोफेगस तो ओमीप्राजोल एंड एसोमोप्राज आर वेरी पॉपुलर ऑल्सो द रेबीप्राजोलोप्राजोल पेंटोप्राजोल तो यहां पे एक चीज खास समझनी है आपको कि ये है हमारा एसिड इन स्टमक ये स्टमक है वो तो आप सभी को पता है एनाटॉमी के अंदर और ये है एसिड अब ये एसिड का जब लेवल इंक्रीज होता जाता है कि एसिड स्वीकृत हो ही जा रहा है सर्टन लेवल तक समझो कि है यहाँ तक है या फिर यहाँ तक है देन नथिंग टू वरी बट समझो कि एसिड्स जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता ही जा रहा है वो पंप इनहिबिट हो ही नहीं रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे तो क्या होगा एसिड का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे पूरा ये स्टमक एसिड से फील होता जाएगा तो फिर क्या होगा वो ये स्टमक में से ऊपर की ओर जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे कि जिसको हम क्या कहते हैं रिफ्लक्स कि अब ये जो एसिड है वो ऊपर की ओर जा रहा है और फिर ये है हमारे इसोफेगस हम कहते हैं सिंपली फूड पाइप तो फूड पाइप में एसिड जाता है तो फिर जो कंडीशन फॉर्म हो जाती है एसिडिटी की तो वो ना हो इसलिए पहले से ही प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं उनको समझो कि आप ब्लॉक कर देते हैं इनहिबिट करवाते हैं जिसके कारण लिमिटेड अमाउंट में ही एसिड जो है वो रिलीज होगा कि जितनी हमें ज़रूरियात है बिकॉज एसिड सीक्रेट होना भी जरूरी है बिकॉज उससे डाइजेशन होता है बट वो लिमिट में होना चाहिए वो रिलीज होना चाहिए इन लिमिट कि जितना जरूरी है इतना रिलीज हो दैन इट इज़ ओके बट जरूरत से भी ज़्यादा जब रिलीज होता है तो उसको इनहिबिट करना पड़ता है एंड उसके लिए हम ओमिप्राजोल की टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को इसोमोप्राजोल लेंसोप्राजोल पेंटोपराजोल है देन रेबीप्राजल डेक्सट्राबीप्राजोल एक्सेट्रा तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन से कि समझो कि कुछ पेशेंट ऐसे थे जिसको फेमिटिडिन रेनिटिडिन से जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा है उनका रेजिस्टेंस आ चुका है क्योंकि बहुत सारे कितने भी फेमोटिडिन ले रेनीटिडिन ले एसिडिटी कम नहीं हो रही तो उससे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है प्रोटोनपम इनहिबिटर्स की ओर जिससे ये पेशेंट के ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सके बाय यूजिंग दिस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स द नेक्स्ट इज द एंटासिड सस्पेंशन अब रूटीन में भी घर पे लोग ये रखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एज वेल एज रेड सिमिथिकॉन सस्पेंशन रहता है कि जो जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है एंटासिड सस्पेंशन कहे जाता है जिसके अंदर मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड है मैग्नेशियम ट्राई एल्युमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल रहती है मागाल रेड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट तो ये जो है क्या करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और यूजली अवेलेबल है मार्केट के अंदर एज अ सस्पेंशन की मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कि जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर मैग्नीशियम ट्राई है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है एंड कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मागालड्रेट है तो ये भी काफ़ी पॉपुलर सस्पेंशन है कि जो हम यूज़ करते हैं तो ट्रीट एसिडिटी उसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रग्स कि जैसे एंटीकॉल के अंदर पायरनजेपिन है प्रोपेन्थेलिन है ऑक्सीफिनोनियम ब्रोमाइड की जो टैबलेट्स 15 एम की उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड मिसोप्रोस्टोल की जो प्रोस्टाग्लैंडिन है 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट नॉट द मिलीग्राम बट इट इज ए माइक्रोग्राम की टैबलेट्स तो ये कुछ स्पेशल केसेस में एंटासिड मेडिसिन प्रिफर की जाती है कि जो कुछ स्पेशल मेडिसिन है उसके अलावा जो हम देखे कुछ अदर एंटासिड मेडिसिन या फिर जो रेमेडीज हम कहते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो नेचुरल रेमेडीज के बनानास के समझे कि आप प्रिवेंट एसिड फॉर्मेशन आप समझे कि बनानास खाने की हैबिट रखते हो तो भी आपका एसिड जो है वो कम फॉर्म फॉर्मेट होता फॉर्म होता है तो मेन तो हैबिट आपकी अच्छी हो आप हेल्दी खाना खाते हो हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर स्लीप लेते हैं कि जो स्लीप साइकिल भी आपका अच्छा होगा तो भी एसिडिटी कम होगी प्रॉपर आप सोते हैं एटलीस्ट मिनिमम एट अवर्स इतना सोते हैं फिर थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर नाइट में एक्सरसाइज करते आप सोने से पहले या फिर इवनिंग के अंदर थोड़ा आप वॉक करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग या फिर नाइट के अंदर आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं हेल्दी फूड लेते हैं उसके अलावा ये जो कोल्ड मिल्क कि जब एसिड काफी इंक्रीज हो जाता है तो कोल्ड मिल्क लेने से जो पीएच जो है वो बैलेंस होता है तो वो भी काफी इफेक्टिव है फिर गोसबेरीज सूथ स्टमक लाइनिंग जिसको हम कहते हैं आमला जिसको हम कहते हैं आंवला उसके बाद फ़ैनल की जो हमारे इंडियन खाने में हम देखते हैं कि कई बार खाना खाने के बाद हमें आदत होती है फैनल के सीड्स फैनल के सीड्स हमारे जो मुखवास वगैरह में होते हैं समझो कि कोई पान वगैरह खाते हैं तो कई बार जो मीठा पान होता है उसके अंदर भी गुलकंद होता है उसके साथ ये फैनल के सीड्स डाले जाते हैं तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं आपका जो ब्लोटिंग वगैरह को जो प्रिवेंट करती है कि जब एसिडिटी के साथ होते हैं उसके अलावा जो बटर मिल्क कि जिसको छाछ कहा जाता है हिंदी के अंदर तो बटर मिल्क की हैबिट बहुत सारे लोगों को होती है खाना खाने के बाद बटर मिल्क लेने का तो ये काफी अच्छी हैबिट मानी जाती है बिकॉज वो जो है डाइजेशन हमारा अच्छा बनाती है खाना जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड एसिडिटी का भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम होता है कि जब आपको रेगुलरली बटर मिल्क लेने की भी आदत है फिर बजे लिव्स कि जिसको हम कहते हैं तुलसी तुलसी के जो को जो, जो पौधा है उसके जो लीफ होते हैं वो समझो कि आप लेते हैं तो आपका म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो स्टिम्युलेट रखता है जिसके कारण पीएच भी बैलेंस रहती है एसिडिटी भी कम होती है एंड माउथ फील भी आपके अच्छा रहता है फिर पाइनएप्पल जूस प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स रो आलमंड न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड कि जो हम बादाम कहते हैं फिर जो मिंट है नेचुरल कूलंट का काम करती है कि जैसे कोई हम गाड़ी के अंदर कार्स के अंदर व्हीकल्स के अंदर कूलंट डालते हैं उसको ठंडा रखने के लिए वैसे ही हमारे स्टमक में भी एसिड है उसमें भी एक एसिड मतलब कि एक जलन होती है गर्मी भी गर्मी है तो उसको कूल करने के लिए जो नेचुरल कूलेंट का जो काम करेंगे वो है ट के लिवस की जिसको हम हिंदी में फुदीना कहते हैं फिर गार्लिक बेनेफिशल इन गैस्ट्रो एंटेराइटिस एंड जिंजर मिनिमाइज स्टमक इन्फ्लेमेशन बट गार्लिक समझो कि आप लिमिट में लेते हो तो वो सही है बट गार्लिक का मिसयूज कब होता है कि जब गार्लिक के साथ ऑनियन भी होता है बहुत सारा ऑयल भी होता है जंक फूड्स का जो आप देखते हैं एग्जाम्पल के कोई भी जंक फूड्स डिजाइन किया जिसके अंदर उन्होंने समझो कि बहुत सारा बटर डाला हुआ है प्लस गार्लिक भी है मिर्ची है उसके अंदर ऑयल है और भी चीज़ वगैरह डाली जा रही है तो ऐसा जो कोई फूड तैयार होता है तो उसमें क्या हुआ गार्लिक का यूज नहीं हुआ बहुत सारा एक्सेसिव वगैरह यूज करके मिस यूज जैसा समझो हुआ है तो जिन लोगों को हैबिट होती है उनको तो चलो एसिडिटी कई बार नहीं होगी बट समझो कि आपको प्रॉब्लम है एसिडिटी का तो इस टाइप का खाना खाने से एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो समझो कि हर चीज़ लिमिट में होती है देन इट इज़ ओके लिमिट में जब तक यूज किया जाता है तब तक ओके बट अनलिमिटेड आप यूज कर लेते हैं या फिर एक्सेसिव यूज कर लेते हैं तो उस वक्त जो है वो आप इन्वाइट करते हैं अलग अलग डिसीज को और उसमें से एक और डिसीज है ये एसिडिटी की जिसके अंदर हमने जाना उसके मेडिसिन होने के कारण एंड अबाउट द ट्रीटमेंट्स तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से शेयर करिए व्हाट्सएप्स के अंदर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं मैसेंजर्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस आपके ग्रुप्स है उसमें भी शेयर करिए इंस्टाग्राम स्टोरीज भी आप शेयर कर सकते हैं उसके लिंक्स वगैरह ऑल्सो यू कैन शेयर इन द वेरियस सोशल मीडिया साइट्स एंड ऑल्सो यू कैन शेयर

मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएगा तो अभी डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स ऑक्स एंड्रॉयड ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफोन फोन एप ऑन एप स्टोर तो यू विल फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सो गेट दिस फैसिलिटी ऑन द फार्मरॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एपल आईफोन एप ऑन ऐप स्टोर